हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का जॉब अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज फिर से मैं आपके लिए एक न्यू अपडेट के साथ आया हूँ। तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, झारखंड बिहार जाने के लिए ट्रेन कब चलेगी। आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में दिया गया है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि किस नंबर की ट्रेन कहाँ चलने वाली है, कौन सा एक्सप्रेस चलेगी, कौन सा एक्सप्रेस नहीं चलेगी। ये सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि धनबाद से जो है पटना बनारस जाने वाले यात्रियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो ये सब सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊँगा, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि हर एक न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना किसी लेट किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि IRCTC इंडियन रेलवे धनबाद से जल्द खुलेगी ट्रेनें, फाइनल फोटो। तो यहां पर इसके बारे में आप लोगों को ट्रेन वाइज मैं नंबर वाइज कर कर के ट्रेन के नंबर वाइज यहां पर मैं बताने वाला हूं कि धनबाद से कहां तक ये ट्रेनें चलेगी और कितना ट्रेनें चलेगी, ये सब सारी चीज़ें। तो आप इसको पूरा अंत तक देखिएगा। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि धनबाद IRCTC इंडियन रेलवे धनबाद से पटना और बनारस जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, पटरियों पर जल्द दौड़ेगी ट्रेनें, पढ़िए लेटेस्ट अपडेट। तो प्रभात खबर से ये न्यूज़ आया हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि IRCTC इंडियन रेलवे धनबाद ट्रेन से सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। खासकर धनबाद से पटना और बनारस की यात्रा करने वाले के लिए राहत की खबर है। जल्द ही धनबाद रेल मंडल से 11 जोड़ी ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगेगी। 3 चरणों में इसे चलाने की योजना है। तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। और जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि रेलवे की ओर से धनबाद रेल मंडल से 11 जोड़ी ट्रेनों को चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसमें से धनबाद से खुलने वाली 7 ट्रेनें शामिल हैं। धनबाद रेल मंडल के CIEC सेक्शन की अन्य 4 जोड़ी ट्रेनें हैं। इस ट्रेनों का परिचालन एक साथ नहीं किया जाएगा, बल्कि चरणों में इसे क्रमवार चलाया जाएगा। दूसरे चरणों में 5 और तीसरे चरणों में 1 जोड़ी ट्रेनें चलाने की योजना है। पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय से धनबाद रेल मंडल को इस बात पत्र मिला है। इसकी लिस्ट जो है धनबाद रेल मंडल ने मुख्यालय को भेज दी है। तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इसे देख सकते हैं कि पहले चरणों में ये ट्रेनें चलेगी 13:35-1, 13:35-2 धनबाद अलेपी एक्सप्रेस, धनबाद अलेपी एक्सप्रेस, और यहाँ 13:32-9 और 13:33-0 धनबाद पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस। और यहाँ पर नंबर देख सकते हैं कि 22:38-7, 22:38-8 ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस भी चलेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं 23:34-7, 23:34-8 बड़का काना पटना पलामू एक्सप्रेस, 23:34-7 और 23:34-8 यही ट्रेन जो है वो सिंगरौली पटना पलामू लिंक एक्सप्रेस दूसरे चरणों में चलेगी ये ट्रेन। 13:33-3, 13:34 धनबाद रांची इंटरसिटी, 13:35-5 और 13:36-6 जो है वो धनबाद गया इंटरसिटी, 13:33-1, 13:33-2 धनबाद पटना इंटरसिटी। और यहाँ पर और भी ट्रेनें हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13:34-5, 13:34-6 सिंगरौली वाराणसी इंटरसिटी, 23:34-5, 23:34-6 शक्ति नगर वाराणसी इंटरसिटी लिंक एक्सप्रेस। तीसरे चरण में इसका होगा परिचालन 13:31 और 13:32 धनबाद टाटा नगर स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस। इतना सारा जो ट्रेन है वो चलने वाली है। अगर आप भी धनबाद से यात्रा करना चाहते हैं तो आप लोग इस ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को बुकिंग करना होगा, तो उसका अपडेट जैसे ही आता है मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि हर एक एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।